आगे जो है बिलो एक टॉल प्लाजा आएगा, तो वीडियो आप पूरा जरूर देखें। जिसको भी अभी मालूम नहीं है कि टॉल प्लाजा को वहां से बाईपास कैसे करना है, अगर आप अपने 150 रुपीस वहां से बचाने चाहते हैं, अभी यहां से जो है 500 मीटर आगे टॉल प्लाजा रह जाता है, तो यहीं से जो है ये बाईपास है। इस साइड से देखिए ट्रक आ रहा है, यहां हम कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए पहाड़ इस साइड नंबर 4 है, इसकी लेंथ जो है 1265 मीटर है। यहां से सीधा फ्लाईओवर के ऊपर से, और हमने यहां से ले लिया ये, तो आगे जो है टाटा सफारी चल रही है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन सफारी की। यहां से राइट साइड हो जाते हैं, तो नेर चौक से अगर जाना चाहते हैं तो यहां से राइट साइड, और सीधा अगर हम हाईवे से जाना चाहते हैं तो यानी कि आप हम सीधा जाएंगे तो नागचला जो है इस जगह का नाम है। अब यहां से व्यू आप देख सकते हैं, नजारा जो है एकदम ऑसम है। इसको कहते हैं वाओ मोमेंट। तो मंडी शहर में है आज, तो ये सारा मंडी का बाजार। आज का सफर जो है हमारा मंडी टू मारवी रहने वाला है, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ का जो आगे मंडी की साइड का 4 लेन जो है कितना उसका काम हुआ है और कितना बाकी है और कंडीशन कैसी है रोड की। तो ये देखिए अभी मैं मंडी से यानी के हाईवे जो है उसके ऊपर आ रहा हूँ। ये अभी हाईवे अपना चंडीगढ़ मंडी, ये देखिए, तो यानी कि मंडी जो शहर है मंडी टाउन, वहां से अभी हम चल पड़े हैं चंडीगढ़ की तरफ। हाईवे जो ये पुराना जो मनाली से है वही है ये। इसमें ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है इस वाले रोड पे, क्योंकि कंजस्टेड है ये, सिंगल सा है अभी। ये देखिए यहाँ से शिमला 159, चंडीगढ़ 199, बिलासपुर जो है यहाँ से 67 किलोमीटर है। तो ये यहाँ मंडी शहर, यहाँ जो ये जो ब्रिज है, यहाँ से साइड से राइट साइड से अगर यानी के अंदर जाना है मार्केट में तो इस साइड से जा सकते हैं। तो मंडी से आते हुए ये हम अभी उसी यानी के हाईवे पर चल रहे हैं जो यानी के ओल्ड वाला जो है, तो यानी के ओल्ड वाला भी डबल है, तो यहां से सुंदरनगर अभी जो रहा है हमें 15 किलोमीटर यहां से, तो आगे से फिर हम नए यानी के 4 लेन के साथ टच हो जाएंगे। तो लेट्स सी के कितना काम जो है आगे है। और सुंदरनगर से सभी को मालूम है कि सुंदरनगर के यानी के बाजार से जाना पड़ता है तो उसमें काफी ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसमें।
आगे जो है टाटा सफारी चल रही है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन सफारी की, जो कि काफी बहुत बढ़िया गाड़ी है टाटा की। ये ऑल ग्रिप है, तो ये यहां से अगर यहां से राइट साइड हो जाते हैं, तो नेर चौक से अगर जाना चाहते हैं तो यहां से राइट साइड, और सीधा अगर हम हाईवे से जाना चाहते हैं तो यानी कि आप हम सीधा जाएंगे तो नागचला जो है इस जगह का नाम है। तो ये जो है अब यहां से फिर से हम हाईवे के ऊपर आ गए, तो अब भी सही है, बढ़िया हम एक स्पीड के साथ जो है इस हाईवे के ऊपर अब चल सकते हैं विदाउट एन इशू। यानी कि इस सारे हाईवे के ऊपर 60 की स्पीड है अभी, यहां जो ये हाईवे है नया जो बना है 60 की स्पीड में चलना पड़ेगा जो लिमिट है, तो चलते रहिए 60 की स्पीड में। यानी कि अगर आप 60 की स्पीड में चलेंगे और नेचर का एंजॉय लेते हुए चलिए, ये देखिए आप नजारा यानी कि पहाड़ों का, तो बहुत ही आनंद आएगा 60 की स्पीड में। तो यानी कि उस चीज को फील ना करें कि इस पे लिमिट जो है 60 की जो है सेट की गई है। इस साइड का नजारा, आगे जो है बिलो एक टॉल प्लाजा आएगा, तो वीडियो आप पूरा जरूर देखें। जिसको भी अभी मालूम नहीं है कि टॉल प्लाजा को वहां से बाईपास कैसे करना है, अगर आप अपने 150 रुपीस वहां से बचाने चाहते हैं, तो आज मैं आपको बाईपास वहां से बताऊंगा, जो कि बिल्कुल आपको टॉल को बाईपास करके टॉल से थोड़ा सा आगे जो है आपको पहुंचा देगा। तो वीडियो के साथ जरूर बने, वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को आप शेयर भी जरूर कर दें। तो यहां से डाइवर्जन है ड्यू टू वर्क इन प्रोग्रेस इस साइड, तो यहां से डाइवर्जन यानी कि हम इस वाली लेन को पकड़ लेंगे और थोड़ा सा आगे जाकर ये फिर से जो है मिल जाएगा। ये देखिए साइड, शायद बरसात के कारण ये खराब हुआ था, तो इसको फिर से जो है रिपेयर किया जा रहा है। देखिए आप, यानी कि इस तरह के रोड में जो है किस तरह से सावधानी से चलना पड़ता है। तो लोग जो हैं बिल्कुल उस लेन पकड़ के चले होते हैं, कई बार किसी को मालूम नहीं रहता है, तो बिल्कुल संभल कर चलें, ज़्यादा स्पीड से ना चलें जहाँ जो है इस तरह के डाइवर्जन मिलते हैं। तो यहाँ से आप फिर से राइट होके जो है नेर चौक की तरफ हो सकते हैं, HRTC की बस, और यहाँ से अब हम फिर से जो है इस रूट को पकड़ लेंगे। तो थोड़ी ही देर में हम सुंदरनगर पहुंचने वाले हैं, यहां से फिर से वन वे, यानी कि थोड़ा सा है ये, कुछ ज्यादा नहीं। तो यहां जो है मुझे लगता है इसकी पैचिंग की जाएगी फिर से। ये देखिए साइड, ये काम चल रहा है यहां से। तो यहां जो है फ्लाईओवर बन रहा है वैसे, ये देखिए अभी हम सुंदरनगर से पीछे हैं और HRTC की बस जाती हुई, ये देखिए ये फ्लाईओवर बन रहा है यहां से, ये सुंदरनगर पहुंचने वाले हैं। ये देखिए सुंदरनगर की नहर इस साइड, तो ये देखिए। तो आपको ड्राइविंग में इस तरह के यानी के जो इंसिडेंट्स होते हैं उनसे सेफ्टी करनी है, बचाना है। तो वीडियो में आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा, कमेंट्स करके अपनी राय आप जरूर शेयर करें। तो यानी कि जब ये वाला पैच पूरा हो जाएगा जो सुंदरनगर का जो ये बाजार जो है, यानी कि अभी भी यहां पुराने से जाना पड़ता है, तो फिर उसके बाद जो है
काफी सही हो जाएगा, क्योंकि अभी काफी ज्यादा टाइम लगता है फिर नहीं तो इस कारण। ये देखिए इस तरह से लोग ये काफी ट्रैफिक रहता है यहाँ सुंदरनगर वाले बाजार में। जितना टाइम आपको, यानी के अगर आप वहां से चंडीगढ़ की तरफ से यहाँ को आएंगे मनाली की तरफ, तो उतना टाइम आपको यानी कि पीछे से सुंदरनगर तक पहुंचने में नहीं लगेगा जितना आपको ये सुंदरनगर का जो बाजार है इसको क्रॉस करने में लग जाएगा। तो ये पुराने साइन बोर्ड लगे हुए हैं अभी भी, स्वार घाट 84 किलोमीटर, चंडीगढ़ 177, शिमला 137, बिलासपुर जो है यहाँ से 44 ओनली। तो ये सभी पुराने जो है साइन बोर्ड लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ से गाड़ियाँ और किस तरह, यानी कि आपको जो है ड्राइविंग ऐसी करनी पड़ेगी कि बिल्कुल केयरफुल होके, इंसिडेंट्स यानी कि हर एक मिनट के बाद, हर एक 30 सेकंड के बाद इंसिडेंट्स जो है रेडी है। और ये इस साइड हमारे राइट साइड आप देख सकते हैं, ये सुंदरनगर की नहर, ये देखिए ये साइड जो है पूरी रेलिंग लगाई गई है क्योंकि लेक साथ में है यहाँ सुंदरनगर की। ये देखिए ये देखिए, तो यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है ये पहले भी थी अभी भी है, तो सॉल्व तभी होगी जब ये पूरा फोर लेन वाला जो है माजरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, साइड ये सुंदरनगर का बस स्टैंड, ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जाम वाली समस्या जो है। ये पूरा सुंदरनगर की मार्केट देखिए, यहां सुंदरनगर में आपको एक बात है, हर एक शोरूम आपको यहां मिलेगा सुंदरनगर में। ये देखिए यहां जो है आपको ऐसा कुछ नहीं कि कोई चीज आपको ना मिले, ब्रांडेड से लेकर यानी कि हर तरह के शोरूम आपको, जिसके लिए आप दूर दूर तक जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं या बाहर कहीं भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, वो आपको यहां सुंदरनगर में हर चीज आपको मिल जाएगी। शोरूम सभी यहां अवेलेबल है। ये जो यहां सुंदरनगर मंडी में इस तरह की बसें जो चलती हैं, जैसे ये आगे जा रही हैं व्हाइट और ब्लू वाली, काफी रफ चलते हैं ये, इनकी ड्राइविंग जो होती है बिल्कुल रफ होती है, तो इस चीज का आप ख्याल रख लें अगर आप इस तरफ आ रहे हैं। तो फाइनली अब हम सुंदरनगर का जो मेन बाजार है उसको हम क्रॉस कर चुके हैं, और जितना भी ज्यादा जो ट्रैफिक था बाजार के अंदर उससे जो है बिल्कुल हम बाहर निकल चुके हैं। तो आगे अब जो है फिर से हम फोर लेन में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये वो जगह है पुंग, यहां से जो है यानी के फोर लेन अभी, ये देखिए काम जो यानी के बचा हुआ है, सीधा आगे निकल जाएगा फोर लेन जब ये यानी के सुंदरनगर मंडी वो सारा, तो उनको यानी के बाईपास कर देगा एक तरह से, तो फिर जो है काफी बढ़िया हो जाएगा मनाली लेह जाने के लिए। लेकिन इसमें अभी जो है मुझे लगता है काफी टाइम लगेगा, मे बी 2024 अगस्त
कितना हमें टाइम लगेगा और कितने किलोमीटर यानी कि मंडी से लेकर ये घुमारवीं का डिस्टेंस है वो भी मैं आपको एंड में बता दूंगा। तो वीडियो के साथ आप जरूर बने रहें। तो यानी कि 50 और 60 की ही स्पीड है यहाँ। कीरतपुर यहाँ से 61 किलोमीटर यानी कि पुराने वाले रोड से अगर जाते हैं स्वार घाट होकर, नए वाले से तो काफी नजदीक है। डहर यहां से 10 किलोमीटर है अभी, 10 किलोमीटर डहर और समझिए हम आगे भगेड़ घुमारवीं पहुंच गए काफी जल्दी। तो ये हम पहुंच गए अभी देखिए भवाना चौक। यहां से जो है सलापड़ जाने वाले यहां से लेफ्ट हो जाएंगे दिल्ली चंडीगढ़ वाले सीधा आगे। तो ये जो जगह है ये है भवाना। तो ये है आप कुछ नजारा। अभी मैं आपको बताऊंगा इस साइड क्या है। अगर हम कीरतपुर से ऊपर की तरफ आते हैं यानी कि आप समझ लीजिए भगेड़ तक, तो यानी कि वहां से ज्यादा नजारा जो है इस साइड मुझे लगता है। जैसे हम मंडी की तरफ चले डहर की तरफ तो यहां जो है नजारा कुछ ज्यादा बढ़िया। ये देखिए टनल नंबर 5 आ गई है, ये 60 की स्पीड और इसकी जो लेंथ है 740 मीटर है ये वाली टनल जो है। तो अब आप ये देखेंगे भयानक नजारा। देखिए ये नजारा देखिए। अब यहां से जो है ये वन वे हो जाता है क्योंकि इस साइड जो है बिल्कुल खराब है। तो ये भयानक नजारा आप देखिए बरसात का जो कहर हुआ है तो कितनी देखिए हालत खराब है रोड की। ये देखिए बहुत ही ज्यादा भयानक। अब ये देखिए सामने पहाड़। अब यहां से व्यू आप देख सकते हैं, नजारा जो है एकदम औसम है। ये देखिए वाव, इसको कहते हैं वाव मोमेंट। और ACC फैक्ट्री, बरमाना फैक्ट्री के लिए, सीमेंट फैक्ट्री के लिए यहां से लेफ्ट। कोल डैम भी यहां से जो है 10 किलोमीटर है तो उसके लिए भी लेफ्ट है यहां से। और घागस जो है यहां से है 13 किलोमीटर और यानी कि डहर से। तो अभी हम जो है डहर में पहुंच गए हैं। ये देखिए पहाड़ी साइड। अभी जो है बिलो 1 किलोमीटर है यहां से, तो जो टोल प्लाजा है वो बिलो में ही है। तो अभी जो है आगे एक बाईपास आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको बाईपास के लिए जो है कहां से होना है अगर आप अपनी टोल फी जो है बचाना चाहते हैं। तो वीडियो के साथ जरूर जुड़े रहें, शेयर जरूर करें। तो अभी यहां से जो है 500 मीटर आगे टोल प्लाजा रह जाता है। तो यहीं से जो है ये बाईपास है, इस साइड से देखिए ट्रक आ रहा है। तो यहां से अभी जो है हम यू टर्न लेके उस साइड जाएंगे। वो देखिए ट्रक उस साइड से आ रहा है, एक कार आ रही है। तो यहां से ये देखिए सीधा जा रहा है, 500 मीटर है अभी टोल प्लाजा। हम हो जाएंगे इस साइड यहां से यानी कि टोल प्लाजा से 500 मीटर पीछे हमें लेना है राइट।
ये ले लिया हमने राइट, और चारों तरफ ध्यान करके यहां से हम हो जाएंगे यानी के बाईपास की तरफ। तो ये बाईपास अपना टोल प्लाजा से, टोल प्लाजा अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, जूम करता हूं मैं, ये देखिए ये टोल प्लाजा, आपको यहां से ग्रीन लाइटें दिखाई दे रही हैं, यानी कि 500 मीटर है यहां से। और यहां से ये पुराना रोड है लोकल, तो यहां से हम चल पड़ेंगे अभी, ये देखिए। तो यानी कि सिंगल रोड है, नैरो रोड है, तो यहां से जैसे आगे गाड़ी आ गई तो चलिए इस रोड में चलते हैं। यहां थोड़ी दिक्कत ये है, पास की दिक्कत, अगर आगे से कुछ आ गया यानी कि ट्रक आ गया, बस आ गया, तो फिर पास जो है होना काफी मुश्किल है, जगह देखनी पड़ेगी। तो काफी नैरो रोड है, यानी कि लोकल रोड है, गांव का रोड है सिंगल, तो यानी कि यहां ज्यादा जल्दी ना करें, मजे से चलें, यानी कि अपने 150 रुपए बचाने के चक्कर में। तो यहां ध्यान रखें आप, ये देखिए बस आई जैसे, तो हम रुक गए यहां पहले क्योंकि पास नहीं है, आगे ब्रिज है। ये देखिए छोटा सा ब्रिज, रोड जो है आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा कि अगर आप ये एस्पेक्ट करें कि रोड आपको काफी अच्छा लगे रहेगा, तो यानी कि ज्यादा दूरी नहीं, दूरी इसकी वही 2 से 3 किलोमीटर है। वो देखिए टोल सामने, ग्रीन लाइटें आपको नजर आ रही हैं, देखिए वो रहा टोल। तो ये देखिए ये यानी के यहां पहुंच के हम यहां हम कनेक्ट हो जाएंगे, और मैं आपको बता दूं रॉन्ग साइड कनेक्ट होंगे, ये देखिए बिल्कुल रॉन्ग साइड जो है कनेक्ट होंगे। और आगे अभी हम देखेंगे यू टर्न हमें जो है कहां मिलता है, जैसे देखिए ट्रक जो है धूल उड़ाता हुआ चला गया। तो यानी कि शाम होने को आई है, आप देख सकते हैं सूरज जो है सनसेट हो रहा है अभी, और ये इवनिंग का नजारा आपके सामने। तो ये जो है टनल नंबर 4 है, इसकी लेंथ जो है 1265 मीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर से ज्यादा। बहुत जल्दी मैं कार का ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका वीडियो भी जल्दी से अपलोड करने वाला हूं। होप आपने कार डिलीवरी की वीडियो जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी आपको ऊपर मिल जाएगा, तो वीडियो आप जरूर देखें। और ये आप देख सकते हैं सनसेट का नजारा, ये देखिए रोड इस साइड से। फिर भी इस साइड इतना खराब नहीं है, अगर आप ऊपर मनाली की तरफ जाते हैं तो वहां जो है काफी स्थिति खराब है, उसको फिर से यानी के सही करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है, तो यानी कि काफी इन्वेस्टमेंट फिर से जो है गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी।
तो कभी भी आप रोड पर चल रहे हो तो इतनी स्पीड में आप ना चलें कि जिस तरह से अचानक आप ये देख सकते हैं पशु जो है रोड के ऊपर आ रहे हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। इतनी स्पीड में ना चलें कि कार जो है आपकी कंट्रोल ना हो, तो ये सारी चीजें जो हैं काफी ध्यान में रखनी होती हैं, क्योंकि पशु जो हैं एकदम से जो हैं रोड के सामने आ जाते हैं, तो इस चीज का काफी आप ध्यान रखें। तो फाइनली जो है अभी हम भगेड़ में पहुंचने वाले हैं। ये देखिए यहाँ से 115 किलोमीटर जो है चंडीगढ़ है, और अगर आप बिलासपुर की तरफ जाना चाहते हैं यानी कि कंदरौर होकर, तो यहाँ से लेफ्ट लीजिए और 13 किलोमीटर बाद जो है बिलासपुर है, और यहाँ से हमीरपुर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेंगे, 47 किलोमीटर हमीरपुर है, चंडीगढ़ बिल्कुल सीधा चंडीगढ़ दिल्ली। तो लीजिए अभी हम पहुंच गए भगेड़। तो ये देखिए अभी हम पहुंच गए यहाँ भगेड़ के फ्लाईओवर के पास, तो यहाँ से राइट ले लेंगे क्योंकि हम जाएंगे यहाँ हमीरपुर वाली तरफ। तो यहाँ जो है हमेशा आप यानी कि ध्यान से जो है ड्राइव करें। तो हाँ अगर मैं आपको बताऊं यानी कि लगभग वहां से मंडी से 55 से 60 किलोमीटर हमें ये डिस्टेंस पड़ा। तो होप आपको वीडियो ये पसंद जरूर आया होगा, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करें और कमेंट्स करके भी अपनी राय जरूर बताएं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।